टेंडर्स महाराष्ट्र। इससे पहले की वीडियोस में हमने ये चीज देखी कि कौन सा ब्राउजर यूज करके हम टेंडर भर सकते हैं। तो एक है माइक्रोसॉफ्ट एज और दूसरा है मोजिला फायरफॉक्स। ये दो को हमने देखा। इसके अलावा इंटरनेट एक्सप्लोरर भी यूज किया जा सकता है, लेकिन विंडो 11 में, विंडो 11 में इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं यूज किया जा सकता क्योंकि अब वो बंद हो चुका है। हमने कुछ सेटिंग देखी थी माइक्रोसॉफ्ट एज की। आज हम ये देख लेते हैं कि जावा की सेटिंग किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले देखो, ये एज ओपन है और यहाँ पर डाउनलोड्स है। डाउनलोड्स पे मैं एक सिंगल क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर जावा के दो ऑप्शन मिलते हैं हमें डाउनलोड के लिए। तो जो 6 नंबर का है, ये 6 नंबर वाला, इसे डाउनलोड करना है और फिर इसकी सेटिंग करनी होती है। तो मैंने उसे डाउनलोड कर लिया है। एक बार फिर से देख लीजिए, जो 6 नंबर का है उसे डाउनलोड करना होता है। मैं यहाँ सिंगल क्लिक करता हूँ और यहाँ जावा टाइप करता हूँ। जब आप यहाँ जावा टाइप करेंगे तो यहाँ पर देखो जावा जावा कॉन्फिगर मिलता है, या फिर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद अगर यहाँ जे पर आते हैं आपको जावा मिलता है। यहाँ पर मैं एक सिंगल क्लिक करता हूँ, इसके अंदर देखिए जावा है, चेक फॉर अपडेट है और कॉन्फिगर है, तो यहाँ भी मिलता है। और जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, देखो मैं यहाँ बाहर क्लिक करता हूँ, यहाँ क्लिक करेंगे, जावा टाइप करेंगे तो यहाँ पर देखो हमें जावा कॉन्फिगर मिल रहा है। या फिर यहाँ क्लिक करेंगे और जे पर आएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर जावा का हमें कॉन्फिगर जावा मिलता है। यहाँ सिंगल क्लिक करेंगे, सबसे पहले देखो जनरल मिल रहा है। जनरल में हमें कोई भी चीज चेंज नहीं करनी है। अगर मैं यहाँ अबाउट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर जावा के रिलेशन से है, और यहाँ पर अगर क्लिक करो तो यहाँ पर देखिए ब्राउजर सेटिंग। तो यहाँ पर मेरा है यूज ब्राउजर सेटिंग, इसे कैंसिल करो या ओके करो, ये यही रहने वाला है। ओके करते हैं। उसके बाद यहाँ सेटिंग पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखो कीप टेम्पररी फाइल्स, यहाँ पर अगर टिक करेंगे तो टेम्पररी फाइल्स रहेंगी, मुझे नहीं चाहिए तो यहाँ से टिक करना पड़ेगा। इसे ओके करते हैं। जनरल के अंदर 3 चीजें देखी हमने, अपडेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से देखो चेक अगर करते हैं तो हमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और डू नॉट चेक कर दूंगा। यहाँ पर मुझे अपडेट नाउ नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जावा है, जावा पे मैं व्यू पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर ये जो चीजें हैं 86 यानी 32 बिट, इसको जैसे के वैसे रहने देंगे। उसके बाद सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी में देखिए यहाँ पर एडिट साइट करना होता है और यहाँ पर क्लिक करके साइट को ऐड करना होता है। देखो मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ये मेरी साइट है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी करेंगे, ये जावा है, यहाँ पर ऐड करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, उसके बाद कंट्रोल वी करेंगे और ओके कर देंगे। इस तरीके से सिक्योरिटी हो जाती है। हाई और वेरी हाई में तो हाई रखना है आपको, यहाँ पे साइट को ऐड करना है। ये एडवांस है, एडवांस में देखो एकदम टॉप पर ये 2 चीजें चेक किया है मैंने, ये दोनों 1 और 2। उसके बाद अप्लाई ओके। तो जावा को डाउनलोड करने के बाद आपको ये सेटिंग कर लेनी होती है। इससे पहले के वीडियोस में हमने देखा कि कौन सा ब्राउजर यूज कर सकते हैं। तो 2 ब्राउजर है, एक माइक्रोसॉफ्ट एज और दूसरा ये है हमारा मोजिला फायरफॉक्स। फिर हमने माइक्रोसॉफ्ट एज की थोड़ी सी सेटिंग देखी और आज हमने जावा की सेटिंग देखी। ये होम टैब है, इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ।